नमस्ते, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेडिस्टार पर। आज की वीडियो जो है थोड़ा सा हटके होने वाली है। आज हम किसी डिजीज, किसी जो है मेडिसिन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। सिंपल आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, कि क्लिनिक से कम कमाई होते हुए भी जल्दी से जल्दी अमीर कैसे बने। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी जो भी क्लिनिक वगैरह चला रहे हैं वो जो है काफी पैसे वाले होंगे, तो आपकी सोच काफी ज्यादा गलत है। जो हमारे भाई हैं, जो हाँ कुछ है ऐसे प्रैक्टिशनर हैं जो कि छोटे गांव वगैरह में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो जो है कम से कम ही कमाई कर पा रहे हैं। ऐसा हम देख रहे हैं, जो माहौल चल रहा है ऐसे माहौल में बहुत ही कम अर्निंग हो पा रही होगी। ठीक है, सिंपल है। तब क्या है, अमीर कैसे बने? सिंपल सी बात, आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग होने वाला है और काफी पॉइंट यहाँ हम डिस्कस करेंगे, जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप कम कमाते हुए भी, मतलब अगर आप जो है अपने क्लिनिक में कम कमाते हैं तब भी क्या है, जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बोल सकते हैं तो जल्दी से जल्दी अमीर हो पाएंगे। आपको कोई चीज खरीदने से पहले उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, सोचते हो एक 1,000 का है, 2,000 का है, खरीदू या फिर ना खरीदू। अमीर उसको बोलते हैं जो जाए, उसको मतलब देखे ही नहीं, बस उसको वो पसंद आ जाए तुरंत वो बाई कर ले, वो पूछे ही नहीं मतलब कितने का है, सोचना ना पड़े कोई चीज खरीदने से पहले। यहाँ तक जो है आप पहुंच जाएंगे, मतलब इस स्थिति तक आप पहुंच जाएंगे कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बस मैं जो यहाँ समझा रहा हूँ इस चीज को समझ लो। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिलेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मैनेज योर एक्सपेंस, मतलब आप जो है अपने खर्चों को मैनेज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप क्या करेंगे, हम इसको आपको जो है एग्जाम्पल के साथ में समझाएंगे। ठीक है, मैनेज योर एक्सपेंस। ठीक है, मैनेज योर एक्सपेंस, आप जो है अपने खर्चों को मैनेज करेंगे। सपोज करो कोई व्यक्ति है, सपोज करो एक ये जो है क्लिनिक चलाने वाला है, एक जो है बी नाम का कोई मतलब बंदा है जो कि क्लिनिक वगैरह चला रहा है। ये क्या है, 20,000 कमा रहा है, ये जो है 20,000 मंथली कमा रहा है, और इसमें से जो है 18,000 ये खर्च कर दे रहा है। जो बचत आई 2,000 आई, के का मतलब होता है हजार, समझ रहे हैं, 2,000 बचत आई। अब कोई बंदा बी है जो कि ये भी जो है सेम कमा रहा है 20,000 ही, ठीक है, समझ रहे हो, या फिर ये 20,000 नहीं, आप समझ लीजिए ये जो है 15K कमा रहा है, ये जो है 15,000 कमा रहा है। ठीक है, ये जो है खर्च कर रहा है मात्र जो है 7,000। ठीक है, तो कितना ये बचाया, 8,000, 8,000 ये बचा पाया। अब दोनों में अभी आपको पूछा जाए आपसे कि इन दोनों में अच्छा इंसान कौन है, तो आप बोलेंगे जाहिर सी बात है बी है, एक कम कमा रहा है लेकिन खर्च कम कर रहा है, बचा रहा है ज्यादा। सिंपल सी बात है, अपने खर्चों को मैनेज करें, मैनेज योर एक्सपेंस। आपको पहला पॉइंट यही करना होगा अगर आप जो है जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाह रहे हो। ठीक है, अभी आप सोचोगे कि बचा करके क्या करेंगे, अब बचा करके कुछ नहीं करोगे। बचाने के बाद भी मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा, आपको अगले पॉइंट में डिस्कस किया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो मतलब कम कमाइए लेकिन उसमें खर्चे को कम करिए, और अपने जो है एक मतलब जो बचत कर रहे हैं उसको जो है ज्यादा से ज्यादा करिए। ठीक है, ये बंदा बुद्धिमान नहीं कहलाएगा, ये वाला बंदा जो है बुद्धिमान कहलाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज को समझो। तो पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगला पॉइंट है पे योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब अपने आप पे जो है सबसे पहले पे करो, खुद को पे करो, पे योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आप किसको पे करेंगे, सबसे पहले आप खुद को पे करेंगे। जितना भी आप कमाते हैं कम से कम उसका जो है 10% या फिर कितना 20%, 10% या फिर 20% खुद के ऊपर जो है पे करेंगे। सबसे पहले जो भी कमाएंगे 10% अपना जो है निकाल लेंगे, उसको किसी ऐसे बैंक में ट्रांसफर कर देंगे जिसको जो है आप छुए नहीं। ठीक है, उसको भूल जाएंगे अपना 10%। ठीक है, एक ऐसा अकाउंट रखिए जिसमें आप जो है ये जो सेविंग्स आप कर रहे हैं अपने लिए बचा रहे हैं इसको वहां ट्रांसफर करेंगे। सेविंग तो अलग बात हो गई, लेकिन ये जो बचा रहे हैं उसको वहां ट्रांसफर करेंगे, भविष्य में कोई दिक्कत हो तो वहां पे ये जो पैसा है काम आएगा। ठीक है, इसको भूल करके 10% वहां डालते रहेंगे। ठीक है, हर महीने ऐसा करने से जल्दी अमीर बनेंगे। लेकिन यहाँ जो पॉइंट बताए जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ लोग सोचेंगे ऐसा करने से कैसे अमीर बनेंगे, सिंपल, आप अगर 10% खुद को दे देते हो, उसको उठाना नहीं है, ठीक
ठीक है, खर्च नहीं करना है, तब कभी जो है मान लीजिए ऐसा 8 से 10 साल किए तो काफ़ी ज़्यादा पूंजी आपके पास इकट्ठा हो जाएगी, आपको या फिर आपके परिवार को कभी कोई भयंकर बीमारी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो ये पैसा जो है काम आएगा। समझ रहे हो मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझो। तो दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ। अगला पॉइंट आप कर सकते हैं, पर्सनल लोन तथा क्रेडिट कार्ड लोन से बचें, ठीक है। पर्सनल लोन तथा जो है जो क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं लोग, क्रेडिट कार्ड इस लोन से आपको बचना है। सिंपल क्या है, लोग क्या है लोन लेते थे हैं, जैसे ही वो 20,000-50,000 रुपया मंथली कमाने लगे, सिंपल वो जो है लोगों को दिखाने के लिए एक फोर व्हीलर लेंगे, ठीक है, उसको ईएमआई पर लेंगे और उनकी जो है पूरी जिंदगी ईएमआई भरने में ही निकल जाती है। सिंपल है, पर्सनल लोन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। अब आपको हम समझा रहे हैं, एक होता है लाइबिलिटीज, ठीक है, एक होता है लाइबिलिटीज, एक होता है एसेट। एसेट वो चीज होता है जो आपके जेब में पैसे लाके डाले, ठीक है, और लाइबिलिटी वो चीज होती है जो आपके जेब से पैसा निकाले। सिंपल सी बात है, अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं लाइबिलिटी खरीदने के लिए, ठीक है, मान लीजिए आप पर्सनल लोन लेकर के कोई फोर व्हीलर निकलवा लिए, तो क्या हुआ, इससे ये जो है लाइबिलिटी है, आपको जो है आपके जेब से पैसा निकलवा रही है फोर व्हीलर कार ले लिए, ठीक है। लेकिन क्या है, अभी यही मतलब लोन लेकर के आप कोई एसेट बनवा लिए, एसेट ले लिए जो आपके जेब में पैसा ला के डाले, वहां पे आप जो है लोन ले सकते हैं। लेकिन ऐसे चीज के लिए आप लोन ना लें भविष्य में कि जो मतलब आपको आराम दे, ठीक है, सिंपल सी बात है, या फिर जो आपके जेब से पैसे निकलवाए, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, यहाँ तक आप सुने होंगे जो है मुकेश अंबानी वगैरह वगैरह, ठीक है, सब लोगों के ऊपर जो है अभी लोन है, वो लोन लेकर के जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। सिंपल सी बात है, बैंक से सपोज करो उनको जो लोन मिलता है 10 से 12% जो है 10 से 12% इंटरेस्ट पर मिल जाता है, और वो जो है उस पैसे को कहीं ऐसे जगह लगाते हैं जहां से उनको 20 से 25% का जो है रिटर्न मिले। तो 12% जो है किसको दे दिए, बैंक को दे देते हैं, तब भी उनको जो है 10 से 12% बचत आ जाती है। तो इसीलिए वो जो है लोन लेकर के काम करते हैं, अपना उनका जो पैसा है अपना सेव रखते हैं, ठीक, अपने पैसे को नहीं लगाते हैं। सिंपल है, पर्सनल लोन आप लायबिलिटी के लिए नहीं लेंगे, एसेट करने के या मतलब एसेट बनाने के लिए ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पे आप जो है कोई शॉपिंग वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है, आजकल क्रेडिट कार्ड का जमाना काफी ज्यादा चल रहा है, शॉपिंग वगैरह क्रेडिट कार्ड पे आप नहीं करेंगे। इस पर जो है आपको 40 से 50% जो है ब्याज देना पड़ सकता है, ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको नहीं करना है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो। यहाँ तक वीडियो देख लिए हो और वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो आप जो है वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन दुगना हो जाता है, ठीक है। अगला काम आप कर सकते हैं, इन्वेस्ट ऑन योर स्किल बिल्डिंग, ठीक है, आपको इन्वेस्ट करना है। क्या करना है, इन्वेस्ट करना है कहाँ पे, अपने स्किल्स के ऊपर, स्किल्स सीखने के ऊपर, ढंग सीखने के ऊपर, ठीक है, आपको जो है स्किल सीखने के ऊपर इन्वेस्ट करना है। अब आप कोई भी स्किल सीख सकते हो, सपोज करो आप गांव में क्लिनिक वगैरह चला रहे हो, वहां पे आप नॉर्मल काम करते हो, किसी को इंजेक्शन लगाना हुआ, किसी को जो है नॉर्मल मतलब फर्स्ट एड वगैरह करते हो, नॉर्मल जो है मतलब क्या करते हो ड्रेसिंग वगैरह कर देते हो, तो नॉर्मल यही सब पेशेंट आते हैं। लेकिन आपको अपनी स्किल बढ़ाना है, सपोज करो आप अगर दांत निकालना जान जाते हो, दांत निकालना सीख लेते हो, स्किल सीखते हो, ठीक है, आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, थोड़ा सा अगर पैसा भी लगे इस स्किल को सीखने के लिए तो आप लगा सकते हैं अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए। अगर आपको पैसा लगाना पड़ रहा है तो आप जो है बिना डरे आप लगा सकते हैं। सिंपल क्या है, जब आप दांत निकालना सीख जाएंगे तो गांव में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप दांत निकाल सकते हैं, इसमें जो है ज्यादा पैसा आप कमा पाएंगे। सिंपल है, पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो आप जो है नए नए स्किल्स को सीखने के लिए वहां पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप जितनी ज्यादा स्किल सीख लेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाएं, ठीक है। सिंपल सी बात, आज जो है स्किल का जमाना है, समझ गए, ओके डन। अगला काम आप कर सकते हैं, स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टिंग, ठीक है, स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टिंग, इसको हम आपको समझाते हैं, इन्वेस्टिंग, ठीक है, स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टिंग मतलब आप जितने जल्दी हो सके अपने पैसे को इन्वेस्ट करना जो है सीखिए और जो है चालू करिए, शुरू करिए, ठीक है। आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, आप अपने पैसे को अगर बैंक में रख देते हो वहां पे आपको 3 से 4% का रिटर्न ही मिलेगा, अगर कहीं इन्वेस्ट करते हो वहां से आपको 12 से 15% का जो है रिटर्न मिल सकता है, ठीक है।
तो 12 से 15% अच्छा है या फिर 3 से 4% अच्छा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या है, जितने जल्दी हो सके, अगर कोई व्यक्ति है जो कि 20 साल का है, हम आपको दो एग्जांपल लेकर समझाते हैं, कोई बंदा ए है और कोई बंदा बी है, ठीक है, दोनों की उम्र अभी क्या है 20 साल है, दोनों की उम्र 20 साल है, ठीक है, समझ रहे हो। अब क्या हुआ, ये जो है 40 साल में इसको सपोज करो पैसे चाहिए, ये 20 साल के लिए कहीं पर पैसा लगाता है, ठीक है, और बी की उम्र जो है 30 साल है, 20 साल नहीं 30 साल है, ठीक है, इसको भी 40 साल में पैसे चाहिए, ये अपने पैसे को मतलब 10 साल के लिए लगाता है, तभी तो 40 साल होगा, ठीक है, 40 साल में सबको पैसा चाहिए। सपोज करो ये जो है 5,000 रुपया मंथली जो है इन्वेस्ट कर रहा है, 5,000 रुपया मंथली ए इन्वेस्ट कर रहा है और 5,000 रुपया मंथली ए इन्वेस्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है, जरा समझने की कोशिश करो। अब क्या है, 5,000 रुपया मंथली ए इन्वेस्ट किया, इसका जो टाइम पीरियड है 20 साल का है, ये 20 साल इन्वेस्ट करेगा तो 40वें साल में, 40 साल होते हुए इसको जो भी मनी मिलेगी, ठीक है, मान लीजिए कोई एक जो है मनी मिल गई, इसको कुछ पैसे मिले। अब क्या है, जो 30 साल का बंदा है ये 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट किया, लेकिन ये जो है कम समय के लिए 10 साल के लिए ही इन्वेस्ट किया, ये भी जब 40 साल का होगा इसको जो मनी मिलेगी वो अपेक्षाकृत कम मिलेगी, इसको ज्यादा मिलेगी, इसको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी और इसको जो है कम मिलेगी, समझ रहे हो। क्या हुआ, आप जितने ज्यादा समय तक इन्वेस्ट करोगे पैसा, उतना ज्यादा ही आपको जो है मतलब पैसे रिटर्न मिलेंगे, ठीक है, कंपाउंडिंग की पावर है ये, पैसा आप अपने आप जो है कंपाउंड होता रहेगा, ठीक है, ये 20 साल के लिए कंपाउंड हुआ 5,000-5,000 रुपया मंथली, ठीक है, 5,000-5,000 रुपया महीना। अब क्या है, ये 5,000-5,000 रुपया महीना 10 साल के लिए ही जो है कंपाउंड हुआ, तो एक कम बनेगा, तो वही कहने का मतलब है आप जितने जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अब इन्वेस्टिंग के ऊपर कई वीडियो है, हम इन्वेस्टिंग के ऊपर बात नहीं करेंगे, आप जो है जाकर के देख सकते हैं कहाँ पे इन्वेस्ट करें कैसे करें, सो आपको सब कुछ जानकारी जो है YouTube पर 100% फ्री में अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। अगर अमीर बनना चाहते हैं तो अगला काम आप कर सकते हैं, नेवर अपग्रेड योर लाइफ स्टाइल, ठीक है, नेवर अपग्रेड योर लाइफ स्टाइल, ठीक है, आप अपने जो है लाइफ स्टाइल को अपग्रेड ना करिए। सपोज करो आप क्लिनिक चलाते हो, आज जो है 20,000 मंथली कमा पाते हो, तो आप जो है नॉर्मल कपड़ा पहनते हो, सपोज करो किसी दिन आप जो है मतलब कभी 2-4 साल 10 साल के बाद आप जो है 50,000 रुपया मंथली कमाने लगो, तो आप जो है अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने की सोचते हो, ब्रांडेड जूता ब्रांडेड शर्ट वगैरह पहनते हो, जबकि जो जूता 50,000 का आपके पैर में रहेगा, अगर उसको आप 5,000-1,000 का लेकर पहन लोगे तब भी काम सेम करेगा। आप अपने लाइफ स्टाइल लोगों को दिखाने के लिए अपने जो है मेहनत से कमाए गए पैसों को बर्बाद ना करें, सिंपल सी बात है, तो अपने आप लाइफ स्टाइल को अपग्रेड ना करें, ये गलती से आप बचें अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो, ठीक है, आप जितना पैसा अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने में लगाएंगे उतना अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब कंपाउंड होकर वो पैसा काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अगला काम आप कर सकते हो, स्टार्ट ए साइड बिजनेस, ठीक है, समझ रहे हो, स्टार्ट ए साइड बिजनेस, ठीक है, हम आपको लिख करके समझा रहे हैं, स्टार्ट ए साइड बिजनेस, आप जो है क्लिनिक वगैरह चला रहे हो तो साइड बिजनेस के रूप में आप कोई अन्य काम करो, नहीं बोलते हैं, कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो उसको पार्ट टाइम के रूप में कोई काम करना चाहिए अगर ज्यादा कमाना चाह रहा है, ठीक है, तो आप साइड बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी है तो आप मेडिकल स्टोर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है पढ़ाई वगैरह वो आप करेंगे, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। या फिर आप अगर छोटी सी क्लिनिक वगैरह चला रहे हैं 10,000 मंथली या फिर 20,000 मंथली कमा पा रहे हैं, ठीक है, आपके पास जमीन वगैरह है तो आप जो है वहां पे कोई बिजनेस मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, पपीते का पेड़ लगा करके छोड़ सकते हैं, ये भी एक बिजनेस है, केला लगा करके आप जो है केले की खेती कर सकते हैं, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपके पास जमीन होना चाहिए, आप अपना क्लिनिक वगैरह संभालिए, बाकी ये सब काम जो है आदमी वगैरह लगा देंगे, आदमी पपीता लगा देंगे, तोड़ लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, सिंपल आप साइड बिजनेस कर सकते हो, इससे आपकी इनकम बढ़ेगी। बाकी आप क्लिनिक के भरोसे ही मत रहिए, क्लिनिक से 10,000 कमा रहे हैं, सपोज करो यहाँ से जो है आपको औसतन 5,000 मंथली मिल गया तो कुल 15,000 महीने आप कमा पाएंगे, ठीक है, और उसको इन्वेस्ट करेंगे और आपका पैसा कंपाउंड होकर बढ़ेगा तो इससे आप जल्द से जल्द अमीर बन पाएंगे। मेरी बातें आपके दिमाग में अगर घुस रही हो तो वीडियो को एक लाइक करें, ठीक है,
और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला काम आप कर सकते हैं, काफी लोग गलती करते हैं कि कोई व्यक्ति उनको कह दिया कि मुझे जो है इतना पैसा दो या फिर इतना पैसा यहाँ लगाओ, रात भर में वो जो है डबल हो जाएगा। तो हम इंडियन लोग हैं, हम लोग बहुत लालची होते हैं और हमें जो है बिना मेहनत के पैसा कमाना अच्छा लगता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम लोगों के रग रग में ये चीज दौड़ रहा है कि बिना मेहनत के मुझे पैसा मिले, बिना मेहनत के मुझे सफलता मिले। ठीक है, आप काम नहीं करोगे आप तब भी सफलता की मतलब ख्वाहिश करते हो। ठीक है, तो एक काम आप कर सकते हैं, जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम, जो स्कीम वगैरह होती है उसमें आप पैसे को मत लगाएं। ठीक है, पैसे को आपको नहीं लगाना है। ठीक है, रातों रात अमीर बन जाओ, ऐसे में आपके पैसे डूब सकते हैं। इन्वेस्टिंग एक अच्छी चीज है, इसमें जो है लॉन्ग टाइम के लिए आप पैसा लगाते हैं तभी आपका पैसा कंपाउंड होता है। तो ये जो है मतलब इन्वेस्टिंग वगैरह डूबने के चांसेस कम है, लेकिन स्कीम वगैरह जो है कि रातों रात दुगना हो जाएगा, रातों रात 10 गुना आपका पैसा हो जाएगा, ये सब बिल्कुल फ्रॉड होता है। यहाँ आप पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रूफ भी दिखाता है फिर भी ना लगाएं, ऐसा हमारा मानना है। आपका क्या मानना है कि आप जो है अगर किसी के द्वारा आपको कोई प्रूफ दिखाया जा रहा है, हाँ मेरा पैसा जो है रात भर में दोगुना हो गया, तब क्या आप पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगली गलती आप ना करें, या फिर अगला काम आप क्या कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी या फिर जो है कार वगैरह खरीदने के चक्कर में ना पड़े जल्दी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कुछ पैसे कमाते हैं, ईएमआई वगैरह पे प्रॉपर्टी कार वगैरह ले लेते हैं, महंगे महंगे गैजेट ले लेते हैं, तो आपको नहीं लेना है। अगर आप लेना भी चाहते हैं तो सिंपल आप लोन ले करके या फिर किसी भी तरीके से ज्यादा एसेट बनाएंगे। अभी हम आपको एसेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। सपोज करो आप जो है कोई कार ले ली, ठीक है कार ले ली, अभी कार किस लिए ली, आप जो है पर्सनल यूज के लिए लिए, आप खुद जो है घूमने के लिए लिए, अपने वाइफ को घुमाने के लिए लिए, तो क्या आपके जेब से एक पैसा निकाल रही है, तो ये एक लायबिलिटी हो गया। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, आप कार ले करके उसको जो है किराए वगैरह पर दे देते हो, अब वही कार जो लायबिलिटी थी वो एसेट में बदल गई, वो आपके जेब में पैसे लाकर डाल रही है। मैं यहाँ जो माइक लगाया हूँ चाहे जितने रुपए का हो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये जो मैं खरीदा हूँ ठीक है, ये मेरे जेब में पैसे लाकर डाल रही है, ये मेरे लिए एसेट हुआ, मेरा पैसा ये बेकार नहीं हुआ। जिस मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ ये भी मेरे लिए एसेट है, मतलब यहाँ जितने भी इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर, सब मेरे लिए एसेट है, सब मेरे जेब में कुछ ना कुछ पैसे ला करके डाल रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं यही सोचता हूँ, मैं अपने लिए लायबिलिटी कम से कम बनाता हूँ और एसेट जो है ज्यादा से ज्यादा बनाता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, इससे मुझे कुछ बेनिफिट होता है। ठीक है, सिंपल है। सो अभी आप समझ गए होंगे कि कौन सी गलतियां हैं जिसको आपको नहीं करनी है, या फिर आप कौन सा काम करके जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही था।